इंडियन प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ विजय यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष सचिव के ड्राइवर की दबंगई आई सामने। मीडियाकर्मी प्रवीण पांडे के घर पर धावा बोल किया कातिलाना हमला और लूटपाट की कोशिश। डीजी ऑफिस में तैनात प्रवीण की पत्नी व छोटे भाई को भी बेरहमी से पीटा। मीडियाकर्मी प्रवीण का भाई रवि ट्रामा सेंटर में भर्ती है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडियाकर्मी की पत्नी की तहरीर पर गुडम्बा थाने में विशेष सचिव के ड्राइवर हरदन सिंह, उसके बेटे व बेटी और कॉल 112 के ड्राइवर प्रमोद सिंह और उसके बेटे समेत 10-12 अज्ञात पर कातिलाना हमला, लूटपाट, छेड़छाड़ व घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य संगीन धाराओं में FIR दर्ज। वहीं रसूखदारों के दबाव में पुलिस ने 2 घंटे बाद पीड़ित मीडियाकर्मी प्रवीण और उसके भाई पर दर्ज की क्रॉस FIR। दबंगों की वीडियो रिकॉर्डिंग के सबूत होने के बाद भी आरोपियों को बचाने में जुटी पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज का किया खेल। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सत्ता की हनक में चूर विशेष सचिव के ड्राइवर की दबंगई के चलते क्या पीड़ित पत्रकार को इंसाफ मिलेगा या नहीं।